हेलो फ्रेंड, माय नेम इज आरवनन। मैं आज लेकर आया हूं रियलमी का नार्जो 30 जो कि 5G वेरिएंट में आती है। चलिए आज सीखने वाले क्विक अनबॉक्सिंग रिव्यू, जो कि एक बजट फोन भी हो सकती है अगर आप कार्ड यूज करके लेते हैं तो। और लास्ट में कुछ इसके कैमरा के भी टेस्ट देखेंगे, इसके कैमरा दो तीन पिक्चर आपको दिखाई जाएगी। और चलिए शुरू करते हैं। चलिए इसे जल्दी से बॉक्स ओपन करते हैं और इस पर वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक फोन ही मिलने वाली है। आपको पीछे से फोन की लुक तो आपको एक रियलमी 8 की तरह लग रही है, जो कि रियलमी 8 जो कि एक 5G फोन भी थी और ये एक 5G फोन है। और इसके पीछे हम देख रहे हैं ये लाइन आपकी बनी है एरो, या एक अच्छी लुक आपको दे रही होगी। मैं आपको ये अच्छा से दिखा रहा हूँ, आप इसमें देख पा रहे हैं इसके लाइन के जो एरो है यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसके लाइट पड़ने पर ये और ही मस्त हो जाती है। अगर आप बिना कवर के फोन यूज करते हैं ये अच्छी साइन लगेगी ये आपको। पीछे से तो इसकी लुक अच्छी मिल जाती है और ये रियलमी 8 की तरफ ही दिखने में लगती भी है। देखने में तो आपको ग्लास लग रही है, पर इसके आपको बैक में प्लास्टिक बॉडी ही मिलने वाली है जो कि आपको ग्लॉसी लुक दे देती है। और ये आपको हैंड टच फिर भी अच्छी देने वाली है, मतलब ज्यादा मोटी भी नहीं है और न ज्यादा पतली है, मिड रेंज में है, न ज्यादा मोटी न पतली। और इसकी वेट भी ज्यादा नहीं लग रही, 190 के आसपास होगी। बाकी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा इसकी वेट। ऐसे भी नॉर्जो रियलमी के ही सब ब्रांड है। इसके अंदर आपको बैक कवर मिलती है जो कि अच्छी मिल जाती है, ये व्हाइट में नहीं मिलती, थोड़ी हल्की ब्लू लग रही है। इसके अंदर यूजर मैनुअल और वारंटी कार्ड मिलती है। और इसके अंदर आपको एक 18 वाट की चार्जर मिलती है, नॉर्मल एक 18 वाट की चार्जर। ये आपको फास्ट या भोग नहीं मिलने वाली है, जो कि यहाँ पर थोड़ी सी कट की गई है। इसके अंदर 5G है तो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कट होगी अभी फिलहाल के लिए, फ्यूचर में पता नहीं। और इसके अंदर आपको एक टाइप सी की केबल मिलती है। चार्जिंग के मामले में थोड़ी सी यहाँ पर कट की गई है, यहाँ पर फास्ट चार्जिंग देनी चाहिए। रियलमी हमेशा अपने फोन में फास्ट चार्जिंग देती है और इस नार्जो में नहीं दिया गया। फिर भी 18 वाट की चार्जिंग है तो अच्छी स्पीड आपको मिल जाएगी। चलिए अब इसको साइड करते हैं और अब फोन की बारी देखते हैं। अब इसकी अंदर की बारी, इसके चारों ओर देखते हैं इसके क्या क्या मिलने वाले हैं। इसकी बैक में आपको 3 कैमरा सेटअप मिलती है। देखने में आपको ये 4 कैमरा सेटअप लग रही है, 3 ही मिलती है और एक रियल प्लस। आपको यहाँ पर 48 और 2-2 मिलते हैं, और यहाँ पर 48 आपको मेन कैमरा है और 2-2 कैमरे मिलते हैं। ये आपको मेनू क्रोम में और मैक्रो के लिए मिलते हैं। और इसके अंदर आपको वाइड एंगल की कैमरा नहीं मिलती है, यहाँ से थोड़ा सा कट की गई है। चलिए और आगे देखते हैं इसके अंदर क्या क्या। यहाँ पर आपको साइड में एक फिंगरप्रिंट मिलती है और इस साइड आपको यहाँ पर आपको वॉल्यूम रॉकर मिलती है, यहाँ पर टाइप सी की चार्जिंग, और इसके अंदर आपको ऑडियो जैक मिलती है जो कि अच्छी बात है। और यहाँ साइड में आपको एक माइक्रोफोन भी मिलते हैं और इस साइड आपको वॉल्यूम अप डाउन ग्रिल मिलती है। और यहाँ पर आपको सिम स्लॉट 2 मिलती है जो कि आप यहाँ पर 2 सिम और एक एसडी कार्ड लगा सकते हैं। और इस साइड भी आपको कुछ नहीं मिलती है, यहाँ पर आपको एक माइक्रोफोन होनी चाहिए, यहाँ पर भी थोड़ी सी कट की गई है, यहाँ पर माइक्रोफोन नहीं मिलती है। चलिए इसे ऑन करते हैं, इसके सारे सेटअप देखते हैं और इसके अंदर क्या क्या मिलने वाले हैं, चलिए देखते हैं। तब तक ये ऑन हो रही है, इसके कुछ बातें कर लेते हैं। इसके अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है जो कि अच्छी लंबी चल जाएगी ये। चलिए इसे सेटिंग में जाकर देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मिलने वाली है। आपको अबाउट में जाकर देख लेते हैं, इसके अबाउट में आपको इस फोन की नेम मिलती है। इसके अंदर आपको एंड्रॉइड वर्जन 11 मिलने वाली है और यहाँ पर आप अपने रैम को 5GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी फीचर्स मिल जाती है, पता नहीं वर्क करती है या नहीं। इसके अंदर प्रोसेसर भी आपको अच्छी मिल जाती है जो कि आपको मीडियाटेक की डायमेंसिटी 700 ऑक्टा कोर मिलती है इसके अंदर। और इसके अंदर आपको 90Hz की डिस्प्ले रिफ्रेश रेट मिलने वाली है। और इस फोन के अंदर आपको 5G की 7 बैंड सपोर्ट करती है जो कि एक अच्छी बैंड आपको मिल जाती है एवरेज। और इसके अंदर आपको ब्राइटनेस नीट्स की 600 की रेंज की मिलती है। इसके अंदर ब्राइटनेस आपको एक सनलाइट में भी एक अच्छी दिख जाएगी। और इसके स्क्रीन डिस्प्ले की साइज की बात करें तो इसके अंदर आपको 6.5 इंच की मिलती है। अब इसकी कैमरा भी देख लेते हैं, इसके अंदर कैमरा की परफॉर्मेंस तो अच्छी मिलने वाली है। क्लिक कर लेते हैं इसके अंदर, अब देख पा रहे हैं इसके अंदर कैमरा की सेटअप अच्छी मिल जाती है, अच्छी जूमिंग मिलती है इसके अंदर। अब इसमें देख रहे होंगे इसके अंदर आपको फिंगर लॉक भी स्पीड ही मिलने वाली है, जो कि एक अच्छी स्पीड मिल जाती है इसके अंदर। एज वेल एज इसके अंदर फेस लॉक भी आपको अच्छी ही मिलती है। इसके फ्रंट में 16 MP कैमरा मिलती है। चलिए इसे थोड़ी सी टेस्ट भी कर लेते हैं कि सेल्फी कैसी आती है नहीं आती है। आपको सेल्फी तो अच्छी मिल जाती है। और ये आउटडोर में तो और अच्छी ही मिलने वाली है। एक पोर्ट्रेट सेल्फी भी देखते हैं कैसी आती है। ये हुई इसकी पोर्ट्रेट सेल्फी, आप इसमें देख पा रहे होंगे पोर्ट्रेट पिक्चर इसके अंदर आपको अच्छी मिल रही होगी, आप इसमें देख पा रहे होंगे सेल्फी की पिक्चर तो अच्छी ही आ जाती है। इस फोन की कैमरा कुछ पिक्चर दिखा रहा हूँ, आप इसकी क्वालिटी पता लगा सकते हैं इसकी कैसी कैमरा क्वालिटी होने वाली है। इसके अंदर आपको स्टूडियो स्पीकर नहीं मिलते हैं, जो आपको इसमें मोनो स्पीकर ही मिलते हैं। चलिए इसको ऑडियो पे टेस्ट कर लेते हैं, इसकी ऑडियो कैसी आती है।
मोनो स्पीकर है पर उसके ऑडियो अच्छी मिलने वाली है इसके अंदर आपको। चलिए एक वीडियो टेस्ट भी करते हैं, एक वीडियो चला के देखते हैं इसके अंदर। इसके अंदर आपको मीडिया टेक की प्रोसेसर मिलने वाली है जो कि आपको डायमेंसिटी 700 के मिलने वाली है। एक अच्छी आपको एवरेज गेम अच्छी चल जाएगी कि 2-3 घंटे तक आराम से इसमें अच्छे गेम खेल पाएंगे। बाकी आप इसमें BGMI हाई सेटिंग में शायद नहीं खेल पाए पर इसमें अच्छी खेल लेंगे आप। और इसकी आप मार्केट प्राइस जानते हैं, ऐसे तो इसकी मार्केट प्राइस 17,000 है पर आप कुछ कार्ड का यूज करते हैं तो आपको 14,000 के आसपास मिल जाती है जो कि एक अच्छी मिड रेंज के फोन मिल जाएगी इसके अंदर आपको। और ये 5G फोन के अंदर एक अच्छी मिड रेंज मिल जाएगी 14,000 के अंदर। इस फोन की कंक्लूजन यही निकलती कि इसके अंदर छोटी बहुत चीज की कमी की गई जहां पर आपको थोड़ी कमी इसको चार्जर मिलेगी जो कि आपको नॉर्मल सिर्फ 18 वाट की मिलती है। और इसकी दूसरी कमी इसके अंदर आपको वाइड एंगल नहीं मिलती, बाकी ये इसके अंदर बाकी सब कुछ आपको मिल जाती है। और इसके अंदर 5G की बैंड अच्छी मिल जाती है, 7 की बैंड मिलती है इसके अंदर। तो ये फोन आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टेक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे।